जब तक हमारे पास पैसा नहीं तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं, ये ध्यान रखना सर। लोग कहते हैं ना पैसा कुछ नहीं है, सर पैसा तो सब कुछ है। पैसा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके पत्नी के लिए तो सब कुछ है सर। उन्हें बाजार जाना है, उन्हें बच्चों को फीस देनी है, माँ बाप को खाना चाहिए, आपको भी खाना चाहिए। आप तो कहीं भी रह लोगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपसे जुड़ चुके हैं आपके घर वाले, उनको तो पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे की वैल्यू करना सीखे सर। हम अपने सिर से पैर तक के सपनों में खोए रहते हैं, और जब हम सिर से पैर तक के सपनों में खोए रहते हैं तो हम बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं कि हम एक सोचते हैं कि ऐसे आदमी बन गए, अमीर आदमी बन गए, के बाद हमारे बल्ले बल्ले। ऐसा कुछ नहीं सर। सिस्टमैटिक काम कीजिए और सिस्टमैटिक ही आपको हर से हर प्रॉफिट आपको दिलाएगा। इस बात को ध्यान रखना सर। मैं आपको बता दूं सर कि आपका परिवार है उसमें आप सबसे बड़े हों, एक को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी औरों को सही करने के लिए, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते कुछ भी आप पैसे नहीं कमाते। इस बात को ध्यान रखना सर। अपने घर से ऐसे उभरो कि घर वाले क्या बाहर वाले तक कहें कि वाह क्या काम किया है। तो ऐस तरह की आप अपनी एक सोच बनाइए कि मुझे ही अपने घर वालों के लिए सब कुछ करना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। जब आप डिपेंड का मतलब डाल देते हैं, समझ लो आपके जो लक्ष्य होते हैं वो तो खो ही जाते हैं, और आपकी जो काम करने की इच्छा होती है, पैसे कमाने की इच्छा होती है, वो भी बेकार हो जाती है जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड होना बंद कर दो और अपने दिमाग के ताले खोलो। जो बातें होती है बातों से कुछ नहीं चलेगा। हर काम में सर बातों में कुछ नहीं चलता, सिर्फ चलता है तो रिजल्ट से। पूरे महीने पढ़ाई कर लो, जब रिजल्ट आपका सुनने आ जाएगा तो वो आपकी जो वैल्यू है पूरे पढ़ने की वो भी ख़राब है। और एक बंदे को सब कुछ आता है, उसने अच्छा रिजल्ट दे दिया है, वो पढ़ाई उसने करी नहीं है, लेकिन मान्यता उसी की होती है, तो रिजल्ट के अनुसार ही देखा जाता है। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।